नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ, मैं हूं उसका। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि कई बार हम देखते हैं कि लोगों का आंख लाल हो जाता है और ऐसे स्थिति में समझ नहीं आ पाता कि करना क्या है। तो इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील सिंह। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने ऑप्थोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ ये संजीवनी आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल हम देखते हैं कि किसी को भी किसी भी कारण से आंख लाल हो जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इसका कारण क्या है, क्यों होता है और होने पे क्या किया जा सकता है। देखिए, आंखें लाल होना या रेडनेस ऑफ आईज, ये काफी कॉमन सिम्टम है। ये मिला करती है हमारे ओपीडी प्रैक्टिस में, काफी मरीज आंखें लाल लेकर आते हैं और आंखें लाल लेने के बहुत सारे कारण होते हैं। तो जैसे जिन कारणों पे होगा ये देखना होगा किस कारण से है। तो देखना है कि आंखें लाल है, एक आंख में है कि दोनों आंख में है। कुछ कॉजेज यूनिलैटरल होते हैं, कुछ बाइलैटरल होते हैं। तो आप अगर इसको देखेंगे तो आंखें लाल लेके कोई पेशेंट आया तो उसके सिम्टम क्या हैं, एक एक आंख में है कि दोनों आंख में है, कितना कष्ट है, दर्द है कि नहीं, ये देखना होता है। और आंखें लाल के कारण होंगे, एक तो कंजंक्टिवाइटिस हुआ जैसे कि जय बंगला या वगैरह कहते हैं, उसमें एंटीबायोटिक ड्रॉप का प्रयोग करते हैं हम लोग। लेकिन उसी में अगर आप एलर्जिक रहेगा तो उसमें एलर्जिक में आंखें में दोनों आंख में नॉर्मली होगा, आंखों में खुजली होगा, आंखों में लाली होगी, कीचड़ नहीं आएगा। और वो खुजली है तो आपको ये एलर्जिक है। तो एलर्जी में आपको आइडेंटिफाई करना है किस चीज़ से एलर्जी है, धूल से, धुआं से, कछुआ छाप से, अगरबत्ती से, इन सब चीज़ों से हो या फिर मौसम के बदलाव से। जैसे अभी आप देखते हैं मौसम तो बदलता है, काफ़ी एलर्जिक चीज़ें चढ़ते रहती हैं। तो एलर्जी अगर होते हैं आँखों में तो एलर्जी के लिए एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स या स्टेरॉयड ड्रॉप का सेवन करना पड़ सकता है, अग्नि चिकित्सक से मिलकर उसका इलाज कराना है। और एलर्जी जिससे होती है बचना है ताकि भविष्य में एलर्जी नहीं हो, क्योंकि एलर्जी का कोई परमानेंट इलाज नहीं होता है। तो एलर्जी कॉन्जक्टिवाइटिस सीजनल हो या किसी कारण से हो, अभी फूलों का मौसम होता है उसके पोलन से होता है, जिनके यहाँ गार्डन है उस कारण से हो सकता है, तो एलर्जी से बचिए। दूसरा, आंखों में प्रमुख कारण लाली का होता है, जैसे यूवियाइटिस। ये आमतौर पर एक आंख में होता है। तो यूवियाइटिस में क्या होता है कि यूवियाइटिस में आंखों में लाल होगा, रोशनी भी गिरेगी, आंखों में दर्द भी होगा, उसमें आंखों में देखेंगे तो एक प्रकार का सूजन है जो आंख के अंदर के बीमारी कारण होता है। ज़्यादातर तो हम लोग जांच करते हैं किस कारण से होगा, तो कारण कितने वक्त नहीं मिलते हैं, लेकिन जब ऐसा मिले तो उसके कारण को ढूंढना है। आमतौर पे गठिया के कारण हो सकता है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी के कारण हो सकता है, टीबी के कारण हो सकता है, सार्कॉइड के कारण हो सकता है, अन्य बहुत सारी बीमारियों का टेस्ट करना होगा, कहीं ये व्याइटिस उसका फलाफल तो नहीं है। आई इज विंडो टू ऑल डिजीजेस। आँख में जो भी शरीर का बीमारी है उसका लक्षण आप पा सकते हैं। तो वियाइटिस भी एक तरह के शरीर की बीमारी का एक प्रकार का लक्षण है। तो जब ऐसा हो जाए तो निश्चित ही कष्ट का चीज़ है, वो मरीज खुद भी डॉक्टर के यहाँ चला जाता है, निश्चित कैसे कह मिल करके, उसमें स्टेरॉयड ड्रॉप का, डायलेटर का, स्टेरॉयड खाने का सेवन करना पड़ता है। और उसके बाद वो सूजन कम होती है, टाइम लगता है, तकलीफें कम होती है, लेकिन ये रेकरेंट होता है कितनी बार, कैसे आज हुआ फिर कुछ दिन बाद हो जाएगा। इसलिए अगर होता है आप चिकित्सक से मिलते हैं तो आप उसको मेंटेन करना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, ताकि डॉक्यूमेंट आपका जो है वो आगे कब हो तो आप इलाज कर सके, और ये खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए आप उसको हमेशा लाते रहें। तो कंजंक्टिवाइटिस बैक्टीरियल हो गया, वायरल हो गया, एलर्जिक हो गया, आँखों में यूवेटिस हो गया या आँखों में कुछ पड़ गया, तो इन सब चीज़ों से आँखों लाल रहती है। लेकिन लाल अगर हो तो उसको सारी चीज़ों को देखना जरूरी है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आप भी समझ पाए होंगे कि आंखों में लाली क्यों होती है, किस कारण से हो सकता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया सारी चीजें कि किन किन कारणों की वजह से जो आंखों में रेडनेस रहता है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।